पिछली क्लास में हम PYQ जो है ना मेल्ट्रॉन का जो कर रहे थे वो 40 तक कर चुके थे। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर इन टेक्स्ट इन MS Excel। मतलब अगर बैकग्राउंड कलर MS Excel में चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का तो हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम एक्सेल में, आपको पता है ना, हम प्रैक्टिकली टाइप का बताते हैं, तो सबसे पहले हम एक्सेल को खोल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बताते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को खोलें और इसका बैकग्राउंड कलर, जैसे कोई भी टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर, जैसे मान लिया हम यहाँ पर टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं TATN पटना, आई पटना या बेल्ट्रॉन में लिख देता TLTRON बेल्ट्रॉन एग्जाम। हम चाहते हैं इसका हाईलाइट कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज, में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया कि फिल कलर, तो यहाँ पे कौन सा कलर है, ये देखिए फिल कलर, यहाँ पे फिल कलर जूम करके दिखा दे रहे, इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, फिल कलर बोल सकते। अगर क्वेश्चन में आएगा कि हम टेक्स्ट का कैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, तो फिल कलर के मदद से हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS पावर पॉइंट 2016 के व्यू मेनू में नई विंडो विकल्प का उद्देश्य क्या है? मतलब अगर नई विंडो का, मतलब अगर न्यू विंडो खोलते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसी प्रस्तुति को दूसरी विंडो में खोलना। मतलब समझिए आप, अगर पावर, ये जो ऑप्शन है ना पावर पॉइंट में भी देता है, वर्ड में भी देता है और एक्सेल में भी देता है। चलिए हम पावर पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एग्जीक्यूटिव नेम पावर PNT होता है। देखो ये हम पावर पॉइंट को खोलने का क्या यूज करते हैं, पावर PNT, और यहाँ से ओके कर देते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा समझ में आता है तो इसको वीडियो को लाइक कर दिए, ताकि और भी बच्चे लोग को, जब लाइक करते हैं ना तो और भी लोगों को रिकमेंड होता है, इसलिए हम लोग मोटिवेट होते हैं और आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। इसलिए प्लीज लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा तो आपको हम देते रहे। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चंस हम लोग का ये है, क्वेश्चन देखिए क्या था कि दूसरी विंडो को, नई विंडो खोलने का क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे व्यू में जाते हैं और यहाँ पे एक रहेगा न्यू विंडो, ये आपको दिख रहा होगा, तो इससे क्या होता है ना, एक नया फाइल खुल, यही बोल रहा है कि अगर क्वेश्चंस भी आ सकता है कि न्यू विंडो किस मेन्यू में आता है, तो कौन सा मेन्यू में होता है स्टूडेंट, यहाँ पे व्यू मेन्यू में होता है। समझ में आया, हम देख रहे हैं कि मेन्यू बहुत सारे मेन्यू, ऐसा मत समझिएगा होम इंसर्ट पेज लेआउट सब मेन्यू से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है यहाँ पे ना, ठीक है। अगर कोई बोलते हैं कि नहीं आता है तो ये आप देखिए लाइव एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा। 90% बच्चे एग्जाम में ही फेल होते हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। हम तो आपको इस बार PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो आज पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, इसका यही उद्देश्य क्या उद्देश्य हुआ कि सेम चीज को दोबारा दूसरा विंडो में खोल देगा, वही बता रहा। नेक्स्ट है MS वर्ड में प्रिंट कमांड का शॉर्टकट क्या होता है? प्रिंट का शॉर्टकट की आपको पता है, Ctrl+P करें, Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट होता है। चलिए हम MS वर्ड को खोलते हैं, ठीक है। MS वर्ड का जो एग्जीक्यूटिव नेम होता है विन वर्ड होता है, यहाँ से खोल लिए, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, मान ली इस चीज को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करेंगे स्टूडेंट, Ctrl+P कर देंगे यहाँ पे, तो प्रिंट खुल, Ctrl+P किएंगे ना तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स मेरा खुल जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स मेरा खुल, यहाँ तक समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, डोंट सेव, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग इज नोन एज, है ना, द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग इज नोन एज सिंटेक्स एनालिसिस, तो क्या बोलते हैं सिंटेक्स एनालिसिस। ये क्वेश्चन लगता है रैंडमली कहीं से उठा दे दिया है, ठीक है। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ, ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग इज नोन है, इसको क्या बोलेंगे सिंटेक्स एनालिसिस। समझने वाली बात नहीं, इसको याद कर ली, ऐसा क्वेश्चन एक दो को देता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन MS Excel से है,
एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट को जोड़ने का शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट प्लस F11। देखिए यहाँ पे ये शॉर्टकट की है, हम बच्चे को डेली पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम एमएस एक्सेल खोलते हैं, यहाँ पे जो प्लस करते हैं ना, इसी का जो शॉर्टकट की, देखिए अभी शीट वन खुला हुआ और शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से हम कर रहे हैं F11। देखिए शीट टू खुल गया, फिर शिफ्ट F3 करेंगे तो शिफ्ट, देखिए यहाँ पे आपको जैसा कि हम जूम करके दिखा रहे हैं, एक सीट था यहाँ पे, देखिए तीन सीट आपका खुल गया। अगर हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तब भी ये आपका खुल जाएगा नया सीट। इसी का शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट प्लस F11, याद रखिएगा। न्यू सीट ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ एमएस एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका में दो वर्कशीट है। क्या बोला है कि एमएस एक्सेल में कोई काम कर रहे हैं उसमें दो वर्कशीट है, दोनों अलग अलग सीट है ना, और एक आप एक सीट में एडिट से बचाना चाहते हैं परंतु दूसरे को नहीं, आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग है ना करेंगे? सीट को सुरक्षित रखें, सीट को क्या आप चाहते हैं, पहला में आप एडिट करना चाहते हैं या दूसरा में नहीं रखना चाहते? सीट को आप क्या करें, जैसे ऐसा समझिए कि आप चाहते हैं कि पहला में हम चेंज करें दूसरा में नहीं चेंज करें, नहीं चेंज करने वाले को आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रखेंगे ना, प्रोटेक्ट सीट लगा के रखेंगे ताकि वो सुरक्षित रहेगा। प्रोटेक्ट का मतलब ही होता है सुरक्षित, और हिंदी मीनिंग दे दिया। आप चाहते हैं कि मेरे पास दो सीट है, अब चाहते हैं कि सीट में कोई डेटा मेरे एडिट कर पाए लेकिन दूसरे सीट में एडिट नहीं कर पाए, तो दो सीट में क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। प्रोटेक्ट कहाँ से करेंगे पता है ना, होम टैब में जाएंगे और फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए जूम करके हम दिखा देते हैं, इस ऑप्शन के हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, प्रोटेक्ट सीट कर, प्रोटेक्ट का ही हिंदी मीनिंग सुरक्षित। नेक्स्ट लिखा विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग इंसर्ट टैब इन होम मेनू ऑफ एमएस एक्सेल 2000। क्या बोल रहा है कि विच फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता इंसर्ट टैब, तो देखो यहाँ पे देखो कौन सा इंसर्ट टैब का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो बोल रहा है विच फंक्शन कैन नॉट परफॉर्म यूजिंग इंसर्ट टैब होम मेनू। अच्छा होम मेनू का इंसर्ट टैब कैसे परफॉर्म कर सकते, नहीं कर सकते ना, यहाँ पे इंसर्ट सीट है, ठीक है इंसर्ट सीट हम होम मेनू के मदद से कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं, इंसर्ट सेल भी कर सकते हैं, तो होम मेनू के मदद से हम लोग इंसर्ट टेबल नहीं कर सकते, तो समझ में आ रहा है, वही लिखा हुआ है कि विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, मतलब कौन सा परफॉर्म नहीं कर सकता है इंसर्ट टैब, है ना, इंसर्ट टैब इन होम मेनू, ठीक है ना, होम मेनू में कौन सा नहीं कर सकता, तो इंसर्ट टेबल कभी नहीं कर सकता। इंसर्ट मतलब समझा देते हैं, देखिए होम मेनू में सीट इंसर्ट हो सकता है, वहां से होम जाइएगा ना, यहाँ पे इंसर्ट सीट, डिलीट सीट, फॉर्मेट सीट, लेकिन इंसर्ट टेबल जो है ना, टेबल जो यहाँ पे होगा वो इंसर्ट मेनू में ही बचे हो, समझ में आ रहा ना, यही क्वेश्चन बताना चाह रहा। नेक्स्ट एमएस एक्सेल से सेलों की श्रेणी के अंक गणितीय माध्य की गणना करने के लिए फंक्शंस का उपयोग किया जाता है, तो एवरेज फंक्शन, यानी को माध्य, माध्य मतलब बोल सकते हैं एवरेज, एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन, एवरेज समझते हैं ना, औसत होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि सर महीने में कोई बिजनेस रहता है तो उसमें बोलते हैं किसी दिन 50 रुपया इनकम हुआ, किसी दिन 500 हुआ, किसी दिन 600 हुआ, लेकिन मान लो एक महीने में 30,000 रुपया हुआ, तो आप बोलते हैं ना कि 1,000 रुपया का पर डे लगभग एवरेज कमाई हो जाता है। एवरेज का मतलब औसत, टोटल कमाई और जितना नंबर ऑफ डेज है उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यू मेनू में कौन सा फंक्शन विंडोज को अलग अलग पैन में विभाजित करने की अनुमति देता है, जिसे हम एमएस एक्सेल में अलग से कॉल किया जा सकता है? तो देखो जैसे एक एमएस एक्सेल खोलते हैं तो उसमें आप चाहते हैं कि दो विंडो जैसा काम करे पैनल, मतलब दो अलग अलग जैसा, तो आपको स्प्लिट ना, स्प्लिट का मतलब ही होता है टुकड़ा करना। जैसे हम समझा देते हैं, आप मेरे पास कोई डेटा है, कोई भी डेटा हम उठा के यहाँ से, मान लीजिए पास पहले से कोई डेटा है, ये डेटा है, अब चाहते क्या है इस डेटा में, ध्यान दीजिएगा, अब चाहते हैं कि इसमें जैसा स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल इसको दो सीट में बांटना है, क्लिक कर दें, देखिए हम यहाँ पे 11 नंबर सीट पे क्लिक और व्यू में गए और एक ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए आप ध्यान दीजिए,
स्प्लिट नाम से ऑप्शन है। स्प्लिट का मतलब ही होता है टुकड़ा करना। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हुआ क्या, देखिए एक लाइन बन गया। 11 नंबर पे आप देख रहे होंगे, 10 नंबर पे देखिए नीचे स्क्रॉल हो रहा, ऊपर वाला करेंगे तो ऊपर स्क्रॉल, मतलब इस तरीके से आप कहोगे कि यहाँ पे करेंगे ये देखिए ऊपर हो, बस समझ में आ गया। तो ये दो टुकड़ा में इसको फिर यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो फिर स्प्लिट ऑप्शन का काम क्या होता है, स्प्लिट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यही बोल रहा है कि व्यू मेनू में कौन सा फंक्शन, मतलब कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है विंडोज को अलग अलग करता है, मतलब एक ही विंडो को अलग अलग करता है ना। कंप्यूटर में भौतिक पते के को डैश के रूप में भी जाना जाता है, मैक पता। ठीक है, मैक पता क्या होता है, ठीक है समझिएगा, भौतिक पते को मैक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मैक बोले तो ठीक है ना, मैक पता। ठीक है, इसको देख लीजिएगा हिंदी मीनिंग थोड़ा सा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर को भौतिक पते को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, मैक पता बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, देखिए ये याद रखने वाला चीज, कंप्यूटर का माउस किसने आविष्कार किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ डगलस एंजलबार्ट। एंजलबार्ट फिर से बता देते हैं, माउस का कंप्यूटर में माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस एंजलबार्ट है ना, डगलस एंजलबार्ट याद रखिए, कौन किया था, डगलस, ऐसे याद रखिए, डी ए याद रखिए, डी ए मतलब डगलस एंजलबार्ट, डी ए डगलस एंजलबार्ट, डगलस एंजलबार्ट, डगलस एंजलबार्ट, डी ए याद रखिएगा, सीधा सी याद हो जाएगा, डी से डगलस और ए से एंजल बार्ट, ये याद रखिए है ना। मेल मर्ज फंक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पर एक प्रकार नहीं है, मेल मर्ज फंक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक प्रकार नहीं है, तो पिक्चर्स एक दस्तावेज नहीं है, देखो इनवेलप एक दस्तावेज है, लेवल एक दस्तावेज है, डायरेक्टरी एक लेकिन पिक्चर कोई दस्तावेज नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं, सर्च इंजन तो जैसे गूगल एक सर्च इंजन, इसमें क्या पूछा है कौन सा सर्च इंजन नहीं, तो गूगल बच्चा एक सर्च इंजन है, ठीक है ना, याहू भी एक सर्च इंजन है, बिंग बिंग एक मतलब ब्राउजर का नाम है, फायरफॉक्स एक सर्च इंजन नहीं सर, क्या एक ब्राउजर, ठीक है ना, फायरफॉक्स क्या एक ब्राउजर, अगर क्रोम बोलता तो क्रोम एक ब्राउजर है, लेकिन गूगल बोला तो गूगल एक सर्च इंजन, फायरफॉक्स एक ब्राउजर, तो यहाँ पे बोला सर्च इंजन कौन नहीं है, तो यहाँ पे फायरफॉक्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इन अ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन नॉट बी ट्रैक्ड यूजिंग ट्रैक चेंज ऑप्शन, तो डिलीटिंग टेबल कॉलम क्या होता है, डिलीटिंग अ टेबल कॉलम, यहाँ पे क्या बता रहा है कि इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन नॉट बी ट्रैक्ड, ट्रैक चेंज ऑप्शन, तो डिलीट कॉलम को आप ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक, थोड़ा सा बैटरी खत्म हो गया, थोड़ा सा लगा देते हैं एक मिनट। अब यहाँ पे समझ में आ गया 54 नंबर, यहाँ पे 55 नंबर में क्या स्टोरी समझिएगा, व्हाट इज इनपुट स्लैश आउटपुट कंट्रोल, मतलब इनपुट आउटपुट कंट्रोल किसको बोलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इट वर्क्स एज अ इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना, इनपुट कंट्रोलर का काम क्या होता है, इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल करने का, यही ये भी याद रखने वाला चीज है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना।
से क्वेश्चन था फॉर एडिंग अ न्यू यूजर। देखो अगर मान लो कोई न्यू यूजर अकाउंट ऐड करते हैं इन विंडो एक्सपी, विच ऑप्शन कैन नॉट बी यूज, मतलब कौन सा ऑप्शन आप है ना, विच ऑप्शन कैन बी यूज, कैन नॉट नहीं कैन बी यूज, मतलब कोई भी यूजर अकाउंट को अगर बनाना है किसी भी वर्जन, ये आपका समझ जाइए कि वर्जन तो समझिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये कोई भी वर्जन चाहे विंडो एक्सपी पूछे या विंडो 10 पूछे या विंडोज 11 पूछे या विंडोज 7 पूछे, कोई भी वर्जन में है ना आपको कंट्रोल पैनल के मदद से ही क्या बना सकते हैं आप न्यू यूजर अकाउंट बना। ध्यान रखिए वर्जन, कोई वर्जन, मैं जितना वर्जन पढ़ा रहा हूँ सभी वर्जन और आने वाले कंट्रोल पैनल, चलो हम दिखा भी देते हैं आप। सबसे पहले विंडो आर करते हैं, यहाँ पे सी ओ एन टी आर ओ एल, और भी तरीका है लेकिन कंट्रोल लिख दीजिएगा तो खुल जाएगा। ये देखिए क्या खुला, कंट्रोल पैनल, थोड़ा सा हम जूम करके आप लोग को दिखा देते क्या खुला स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल पैनल का जितना भी आइटम है सारा खुल गया। कंट्रोल पैनल में यहाँ पे कहीं देखिएगा यूजर अकाउंट हो है ना, देयर इज यूजर, हाँ देखिए ये देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं यूजर अकाउंट ऐड, ये मेरे जो हम अभी कंप्यूटर में आपको पढ़ा रहे हैं ये विंडोज 11 है, कैसे पता चलेगा, देखिए स्टार्ट बटन यहाँ पे बीच में रहेगा थोड़ा सा, तो ऐसे विंडोज 10 रहता है तो जनरली यहाँ पे रहता है स्टार्ट, विंडोज 11 का यहाँ पे रहता है, आई होप समझ पा रहे होंगे। तो विंडोज में कोई अगर मान लीजिए यूजर अकाउंट बनाना है तो कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यूजर अकाउंट में मिले, ठीक है, चाहे कोई भी वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए INIPV4, ये क्या है, प्रोटोकॉल है ना, जैसे मान लो ये नेटवर्किंग से क्वेश्चन है, मतलब समझ में आ रहा है ना, हाउ मेनी क्लास आर देयर, यहाँ पे कितने क्लास होते हैं, 5 क्लास होते हैं स्टूडेंट, 5, ठीक है। एमएस एक्सेल के सूत्र मेनू में, सूत्र मेनू मतलब फॉर्मूला मेनू, सूत्र मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा एक तार्किक फंक्शन है, ठीक है, तार्किक मतलब समझ में आया, कॉम्पेयर से रिलेटेड, कॉम्पेयर करने से रिलेटेड, तो कॉम्पेयर करने के लिए लॉग फंक्शंस का तो यूज नहीं, कौन सा फंक्शन है पूछा, तो इफ का यूज होता है तर्क करने के। चलिए हम एक्सेल में जाते हैं और आपको बताते हैं, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वल टू करिए इफ करिए, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करके दिखाना चाहें, चेक वेदर कंडीशन, कंडीशन मतलब तर्क वितर्क करना, कंडीशन चेक करने का मतलब क्या होता है, तर्क करना, इज मेट एंड रिटर्न्स ट्रू है ना, अगर आपको कोई वैल्यू ट्रू मिलता है तो ये आपका ट्रू वाला मीट कर रिटर्न करेगा, फॉल्स वाला चाहेंगे तो फॉल्स वाला रिटर्न करेगा, ठीक है, इसका कंसर्न कंडीशन यही है, अगर वैल्यू मीट किया तो आप ट्रू वाला रिटर्न करेगा और वैल्यू नहीं मीट किया तो फॉल्स वाला रिटर्न करना चाहते थे। तो देखिए इक्वल टू इफ लगाते हैं ना और ब्रैकेट को ओपन करते यहाँ पे लॉजिक लिखाता है, लॉजिक टेस्ट मतलब ये लॉजिक मतलब तर्क ही ना हुआ, तो यहाँ पे इफ एक फंक्शन है जो लॉजिकल फंक्शन का काम करता है तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल पावर पॉइंट, देखिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, इससे आपका समझिए तो आप जो पढ़ाई करें बहुत सारा क्वेश्चन में मदद मिल जाएगा, ठीक है ना, अगर वाकई में आप पेल्ट्रॉन के प्रति आप हावी है कि नहीं हमको कोई भी जॉब चाहिए ही चाहिए, अरे ये बहुत अच्छा जॉब है, अगर मान लीजिए कि ठीक है लग जाता है फिर आप अपना तैयारी कर सकते हैं आगे, लेकिन ये भी अच्छा जॉब है, आप समझिएगा कि आप सेम चीजें रिपीट हो रहा बार और सारा क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो समझिए तो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। इसलिए हम बता दे रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम पूरा खंगालने लगे और जो चीज चाहिए वो चीज आप पढ़ ही नहीं पा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एमएस पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है, होम टैब में कौन सा फंक्शन नहीं, देखिए पावर पॉइंट आप खोलिएगा तो ये पूछ रहा है कि पावर पॉइंट के जो होम टैब में कौन सा फंक्शन नहीं है, देख रहे हैं ना, सबसे पहले देखो खोज, फाइंड मत, ये फाइंड की बात करें, फाइंड तो है बोला, कौन सा फंक्शन नहीं, ये तो है, ठीक है, न्यू स्लाइड भी है, सेक्शन भी है, स्लाइड डिजाइन नहीं है, स्लाइड डिजाइन एक डिजाइन मेनू में फंक्शन, ये क्या है डिजाइन, ये पूछा है कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ये वाला फंक्शन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, देखिए आपको हम दिखा देते हैं तो इस क्वेश्चन को, 59 वाला जो क्वेश्चन है ना इसको हम पावर पॉइंट में दिखाएंगे, होम टैब में गए
देखो यहाँ पे लास्ट में खोज था, खोज का मतलब क्या है, तो फिर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, फाइंड यही हुआ खोज, ये तो है ठीक है ना। फिर क्या बोला, न्यू स्लाइड, ये भी न्यू स्लाइड है। तीसरा बोला सेक्शन, ये भी देखो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे सेक्शन नाम से है, लेकिन यहाँ पे आपको डिजाइन मेनू से रिलेटेड ये आपका सॉफ्टवेयर ठीक है ना, तो ये डिजाइन वाला काम तो डिजाइने में मिलेगा है ना, स्लाइड डिजाइन, बात समझ में कि आपको इस में ठीक है। नेक्स्ट एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट सीट विकल्प को किस मेनू में चुना जा सकता है, इसको बार बार पढ़ाएं आप। प्रोटेक्ट सीट जो है, प्रोटेक्ट सीट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ये देखिए होम मेनू में भी देता, तो होम मेनू तो यहाँ तो दिया हुआ है ही नहीं, यहाँ पे इंसर्ट है, फाइल है, पेज लेआउट है और डेटा है। अगर होम रहता ना तो होम में देखिए सबसे पहले समझाते हैं यहाँ पे क्या बोला, प्रोटेक्ट सीट विकल्प किस मेनू में चुना जा सकता है, तो देखिए एमएस एक्सेल खोलिएगा, इससे समझा देते हैं यहाँ पे, और जब होम टैब में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए एक होम टैब में जाइएगा यहाँ पे, ये आपको फॉर्मेट में जाके देखिए क्या है प्रोटेक्ट सीट। लेकिन ये बताइए यहाँ पे क्वेश्चन में तो होम टैब कहीं दिया हुआ ही नहीं, और चार गो में कॉन्सेप्ट, तो ये इसका मतलब एक मेनू और में है, तो कौन सा मेनू में है स्टूडेंट यहाँ पे, तो फाइल में जाइएगा, ऑप्शंस में जाने के बाद कहाँ पे है ऑप्शन, हाँ लास्ट में ऑप्शन है, ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट मिल डेटा में एडवांस कहीं है, एडवांस में जाके प्रोटेक्ट मिले कहीं तो था प्रोटेक्ट, एक मिनट फिर से दिखा, फाइल में जाएंगे यहाँ पे सेव में थी। सॉरी इन्फॉर्मेशन के अंदर, सॉरी ये न्यू वर्जन में चेंज हुआ है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोटेक्ट करना है, एक्चुअली प्रोटेक्ट वर्कबुक है, प्रोटेक्ट सीट कहाँ पे है वो दिखा देते हैं, देखिए आप प्रोटेक्ट वर्कशीट है और यहाँ पे इंस्पेक्ट वर्कशीट है वर्जन ऑफ, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट बोला, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, प्रोटेक्ट वर्कबुक ठीक है, ये प्रोटेक्ट वर्क ऐसे ये क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसके हिसाब से गलत है एकदम 110% बता रहे हैं गलत है, क्यों, क्योंकि जो प्रोटेक्ट सीट है जो स्टूडेंट ये होम मेनू में यहाँ पे फॉर्मेट में जाइएगा, ये देखिए ये प्रोटेक्ट सीट यहाँ पे दिया देख रहे हैं, अगर ये बोलता है फाइल में ठीक है, कोई वर्जन की बात करें तो फाइल मेनू में इंफॉर्मेशन में प्रोटेक्ट सीट है क्या, प्रोटेक्ट वर्कबुक है ठीक है ना, सेम वर्ड नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, नहीं तो प्रोटेक्ट वर्कबुक, वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है, वर्कशीट का मतलब वो जिस सीट में आप काम कर रहे हो वो लॉक हो, और वर्कबुक का मतलब होता है कि जो एक सीट में अगर 20 वर्कशीट खुला हुआ है ठीक है, तो 20 वर्कशीट लॉक हो, ये 110% आपका क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है ठीक है ना, तो क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग नहीं बोल सकते हो, लेकिन ऑप्शन इसमें होम मेनू रहता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, बात समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसा कंडीशन में क्या हो, ऐसा कंडीशन में आपका एक नंबर कभी गलती से कम जाता है तो आप दावा कर सकते, या नहीं तो फिर आपका एक नंबर मिल जाएगा ठीक है ना, क्योंकि देखो टीसी से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इसमें सारा ऊपर में क्वेश्चंस का दिया रहता है कि आप कॉल का अगर कोई दिक्कत है कॉल कर सकते, ये 60 नंबर का था, ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम आपको फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे, दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे, ऋषि कुमार जी का ये है, ऋषि कुमार जी को ये सेशन मिला था ठीक है, चलिए आई होप समझ में आए, थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो, और इसी तरीके से आप मोटिवेट करते रहिए, जरूर लाइक करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, थैंक यू।